और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम बिल्कुल उसी गांव में एंटर करने वाले हैं और ये पूतना का गांव से हम कह सकते हैं। और काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ जंगल है और जंगल के जस्ट सामने आप जो गांव दिखाई दे रहा है यही पूतना का गाँव है और यहीं पर पूतना रहती थी। यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि कैसे पूतना यहाँ पर किसी समय द्वापर काल में यहाँ रहती थी। इस गांव के लोगों से हमने बातचीत की है तो सभी लोग कह रहे हैं कि ये पूतना का गांव है। इस गांव में सबको मालूम है ना, ये सबको मालूम है ये पूतना का। हाँ, पूतना का है, सबको मालूम है। जागर है सामी, जागर पे मरी थी। अच्छा, जी मकान बन गए, बसावट कर लगी है, ये स्थान था वो। हाँ, जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जिस तरह से आपको राधा रानी और ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं के दर्शन करा रहा है, उसी कड़ी में आज जो मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं वो है पूतना का गांव। जी हां, पूतना का घर, जहाँ पर कंस ने पूतना को स्थान दिया, वो स्थान के आज हम और आप दर्शन करने जा रहे हैं। उसका दर्शन करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसी तरह ब्रजमंडल भूमि के दर्शन अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यात्रा कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उसमें ब्रज 84 कोस या ब्रज के जो भी दिव्य लीला है उसका दर्शन हम आपको कराएंगे। इसी के साथ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी मेहनत के साथ हम आपके पास लेकर आ रहे हैं, तो आप हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे ज़रूर डालिए ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। अब मैं आपको बता दूँ कि हम जहाँ खड़े हुए हैं ये स्थान है आपका छटीगरा गोवर्धन वाला रोड, जो कि मंगेरा राल बसौती ये गांव इस रोड पर पड़ते हैं। इधर ये गोवर्धन है और इधर जो आप देख रहे हैं ये आपका छटीगरा है जो कि वृंदावन के पास में है। और हम जहां खड़े हुए हैं और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता जो जा रहा है, ये रास्ता आपका जा रहा है बाटी गाँव और बाटी गाँव के बाद फेचरी गाँव। तो हमको जाना है फेचरी गाँव जहाँ पर पूतना का घर है और किस तरह से पूतना का घर है वहाँ पर पूतना का गांव है उसका दर्शन आज हम और आप करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए जिस तरह से कंस ने अनेकों अनेक राक्षस यहाँ भेजे हैं, उन्हीं राक्षसों में से एक आपने सीरियलों के द्वारा, कृष्ण लीलाओं के द्वारा आपने देखा होगा कि किस तरह से पूतना भगवान कृष्ण को अपना स्तनपान कराती है और कंस कृष्ण को मारने के लिए उसी पूतना के घर आज हम आपको लेकर जा रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा होगा कि ये दिव्य दर्शन आप ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम आपको सबसे पहले बाटी गांव और बाटी गांव के बाद फेचरी गांव जहां पर है पूतना का घर, आइए चलते हैं। और आज का वीडियो हमारे और आपके लिए काफ़ी सुंदर होने वाला है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी एक राक्षसी पूतना, या माँ कहें भगवान कृष्ण की पूतना, और इस समय आप देख रहे हैं ये बाटी गाँव। और बाटी गाँव से निकलते ही फेचरी गाँव पड़ेगा और काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी रिसर्च के बाद हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आप दर्शन कर रहे हैं बाटी गांव। यहाँ से हमने आपको बहुला बन का दर्शन कराया था, कैसी एक गाय की एक कहानी थी। अब यहाँ से आगे हम आपको लेकर चल रहे हैं फेचरी गांव। जब हम बाटी यहाँ पर आए हैं तो हमने सोचा कि आपको हम बहुला बन का हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं, जो कि ये पूरा वीडियो आप हमारे ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने आपको पूरा वीडियो बनाया हुआ है। और इस समय मैं आपको छोटा सा दर्शन कराना चाहता हूं, जो कि रास्ते में जब ये पड़ा है बहुला बन तो हमने सोचा कि हम आपको दर्शन करा दें। अब इसके बाद सीधा हम आपको लेके चलेंगे फेचरी गांव जहां पर पूतना का घर हमारा इंतज़ार कर रहा है। आखिरकार आप देख रहे हैं कि हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं पूतना के उस गाँव में जहाँ पूतना रहती थी। और काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार हम उस स्थान पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ जंगल है और जंगल के जस्ट सामने आप जो गांव दिखाई दे रहा है यही पूतना का गांव है और यहीं पर पूतना रहती थी, जो कि कंस के निमंत्रण पर यहां पर उसको स्थान दिया कंस ने यहां पर रहने के लिए। ब्रज दर्पण चैनल जो है आपके लिए विशेष तौर पर ऐसे दर्शन कराना चाहता है जहां पर राधा रानी और ठाकुर जी से संबंधित लीलाओं के दर्शन हैं। आज हम आपको लेके चल रहे हैं इस गाँव में जहाँ पर कि पूतना रहती थी। पूतना कहो तो भगवान कृष्ण की एक माँ का दर्जा भी उनको मिला और एक कंस की दासी थी, वो राक्षसी थी और कंस की दासी, क्योंकि कंस ने उनको जीता था तो उनको बुलाया उनको, और बुलाने के बाद कृष्ण भगवान को मारने के लिए कैसे पूतना की लीला हम और आप सब जानते हैं। इसी गांव में, ब्रज के इसी गांव में पूतना रहती थी। आइए चलते हैं और आपको गांव के अंदर लेके चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह का यहाँ पर वो भाव
रखते हैं। आइए मेरे साथ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम बिल्कुल उसी गांव में एंटर करने वाले हैं, और ये पूतना का गांव से हम कह सकते हैं। और यहां पर देख सकते हैं किस तरह से गांव का जो जीवन होता है, ब्रज के गांव का दर्शन आज हम इसके साथ साथ दर्शन भी करा रहे हैं। और दर्शन इस गांव का है जहां पर पूतना रहती थी। ये हमारे और आपके लिए बड़ा आज ज़बरदस्त दिन होने वाला है कि वीडियो के माध्यम से हम आपको पूतना का घर, या कहें तो पूतना का गांव, जहां पर कंस ने रहने के लिए स्थान दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इन गांव के छोटे छोटे रास्तों से निकलते हुए पूतना का वो जो घर है, पूतना जहां रहती थी, उसका हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और ये वही गांव है जिसे हम आज आपको दर्शन कराने वाले हैं। और देख सकते हैं आप किस तरह से ब्रज की गलियों के बीच में होते हुए हम आपको लेके चल रहे हैं पूतना का वो स्थान जहाँ पर वो रहती थी इस गांव में। तो ब्रजमंडल के हम इस समय फेंचरी गांव में यहाँ खड़े हुए हैं, और ये गांव कैसे पूतना की यादों को समेटे हुए यहाँ पर रहे, आपको मैं ये मंदिर दिखाना चाहता हूँ। और मंदिर का जो चित्रपट है आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कैसे उस चित्रपट को यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि कैसे पूतना यहाँ पर किसी समय द्वापर काल में यहाँ रहती थी। इस गांव के लोगों से हमने बातचीत की है तो सभी लोग कह रहे हैं कि ये पूतना का गांव है, और कई स्थानों पर कई अलग अलग जगहों को यहां पर दर्शन है। तो जो मंदिर है, मंदिर पर जो चित्रपट है, हम एक चौराहे पर खड़े हुए हैं गांव के, और मंदिर आप देख सकते हैं ठाकुर जी का, यहां पर गिरिराज पर्वत का भी यहां पर लगा हुआ है। तो यानी कि अभी हम एक गाँव के चौराहे पर हैं। अब यहाँ से आगे आपको ले कर चल रहे हैं पूतना के नज़दीक, यानी जिस स्थान पर वो रहती थी उस स्थान तक हम आपको ले कर चल रहे हैं। ये फेंचरी गाँव आपका बाटी गांव वृंदावन छठीकरा के पास में है। आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए, अब आपको उसी स्थान पर लेकर चलते हैं जहां पर पूतना रहती थी। आप देख सकते हैं कि हम ब्रजमंडल के एक ऐसे गांव में खड़े हुए हैं जहां कभी पूतना रहती थी। मैं कहूं तो आज से 5000 साल पहले या द्वापर काल में कंस ने जो स्थान पूतना के लिए दिया रहने के लिए, हम उस गाँव में फेचरी गाँव में यहाँ पर हैं। और हमारे साथ में जो गांव के बुज़ुर्ग लोग हैं, भाई लोग हैं, उन सभी से बातचीत करते हैं क्योंकि वो इस गांव में रहते हैं। तो वो किस तरह का भाव रखते हैं इस दर्शन का या पूतना के बारे में। तो बाबा सबसे पहले तो हमारा आपको राधे राधे। यहाँ जैसे पूतना कृष्ण लाई तो वो यहाँ लाई इस जगह पे, वो यहीं कृष्ण ने बा को खीर खींचो, मतलब दूध पियो बतावे, कोई कुछ बतावे, तो जाके नाम पे खिचरवन नाम धरियो या को खिचरवन। हाँ, अब शुद्ध भाषा में फेंचरी कर दियो। तो जमुना जी कभी इसी समय पे यहाँ बहती? हाँ, यहाँ पास में ही बहती जमुना जी। अच्छा। बाकी जमुना जी तो काट काट के अब कितनी पीछे चली गई, वो तो धार बना लेते। क्योंकि पूतना हमने जो लीला में देखी, कृष्ण लीला में सीरियल में जो हमने देखा है, तब हमें यमुना जी को पार नहीं कर पाई ना, वो यमुना जी से पहले ही ऐसे हम नीचे जमीनें खोदे तो बारू निकलते नीचे हमारी ज़मीन में बारू। पहले तो उस समय बात लगते है कि ऐसे हमारे पास में नालो है, अड़िंग से आए हुए, तो वह नाले में दिल्ली से जो वो आमती फौज नाव द्वारा आमती या नाले में, पहले यहीं है कि रास्ता ही, वो जो जो मंदिर के आगे एक पड़ाव है, यहाँ बोलते हैं हम बातें, अब वो आज ऊपर हम बोलते हैं, और पड़ाव वो तो यहाँ पड़ाव यही वजह थी कि यहाँ फौज जो आमत का ही ऐसे राजा ही दिल्ली और आगरा एक ही, तो यहाँ पड़ाव लेते हैं भाई एक रात। अब एक चीज़ है यहाँ में कि जैसे बाबा आपने बताया हो कि कृष्ण ने ले के पूतना यहाँ आई आई, और या फिर लीला में ऐसा है कि पूतना वहीं गोकुल के पास में पकड़ ली, क्योंकि ये तो वो स्थान है ना जहाँ पर रह गई जो कंस ने दिया, इसी गांव में रहती थी पूतना। सब इसी गांव में, सुनी बुजुर्ग कहें यही गांव में रहती, यही गांव की कहें बुजुर्ग बता दें साहब, यही गांव में खीर खींचो। अच्छा, जब भी पड़ो यहाँ को, यहाँ पूतना का जैसे मंदिर पर एक सिंबल बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, तो इसके अलावा और क्या क्या दर्शन है यहाँ साहब? और कुछ नहीं है, पूतना कुंड। ये किधर है? ये आगे चल के पूतना कुंड के नाम से है। हाँ, पूतना कुंड के नाम से एक तालाब है, उसे पूतना कुंड कहते हैं। यानी कि पूरे गांव को कन्फर्म है ये गांव पूतना का है। तो आप देख सकते हैं कि जिस गांव में हम आए हैं, इस गांव को हम पूतना के गांव के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर पूतना रहती थी। कंस के द्वारा जैसे अनेकों राक्षसों को स्थान दिए गए, उसी में एक पूतना थी, उसको ये फेचरी गाँव का ये स्थान दिया था, और यहाँ पर पूतना रहती थी। बाबा जैसे कि पूतना
का गांव है ये हमारे समझ में आया, लेकिन यहाँ कोई प्राचीन ऐसी चिन्ह है या कोई ऐसा जगह है जो हम कह सके कि ये है? साहब यार कोई ना, पहले टीलो हटो आगे ऊपर कच्चो मंदिर हो हमारो ही, हम पुजारी हैं, तो बड़े बूढ़े बता करते कि जहाँ ऐसे पहले, फिर वो हमने टीलो बराबर करके मकंडा थप्पे लग गए, जगह बन गई, मंदिर बनवा दियो है, मंदिर हुए। तो यार पूतना कुंड भी तो है ना, पूतना कुंड के बारे में बता रहे? आगे कुंड, आगे पूतना कुंड है, है। तो पूतना कुंड के नाम से एक स्थान है, आइए चलते हैं और वहाँ पर आपको दर्शन कराते हैं, वहाँ किस तरह का दर्शन है इस गाँव में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे बाबा। राधे, आइए चलते हैं, अब आपको उस पूतना कुंड तक लेके चलते हैं यहाँ पर की पूतना रहती थी। फेचरी गांव में हम इस समय चल रहे हैं और आप सब दर्शन भी कर रहे हैं इस गांव के ब्रजमंडल के, जहाँ पर की पूतना रहती थी। आइए कुछ माताओं से बातचीत करते हैं, क्योंकि इनका भी भक्ति में सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। तो मैया, ये पूतना का गांव है? हाँ, फेचरी गांव। हाँ, फेचरी गांव है। तो यहाँ पूतना के दर्शनों में हम क्या क्या देख सकते हैं? कोई कुंड, कोई मंदिर है या कोई पोखर? ये मंदिर आ गए, हाँ आ गए, पूतना कुंड बोले? हाँ, पूतना कुंड बोले, मंदिर वो बना नहीं है, पोखर है, उसमें पैसा डाल के जाती है, यात्रा आती है, यात्रा जब आती है तो पूतना कुंड आगे है, उसमें 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 आपको दर्शन होता है? हाँ, दर्शन होते हैं। बाकी इस गाँव में सबको मालूम है ना, ये सबको मालूम है ये पूतना का? हाँ, पूतना का है, सबको मालूम है। जी आगर है सामी, जागर पर मरी थी, मकान जी मकान बन गए, बसावट कर लगी है, ये स्थान था वो? हाँ, स्थान जेयो, जब बमू ठाड़ी, अब जितना विशाल उसका आकार था शरीर का पूतना का, तो उस हिसाब से तो पूरा गांव ही उस स्थान को माना जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा शरीर है उसका। और का? लेकिन यहाँ पर पूतना कुंड है एक स्थान, जहाँ पर लोग आए तो दर्शन कर सकते हैं। हाँ, करते हैं दर्शन, माए मंदिर है आगे, और कुंड बनो नहीं हुआ है, अभी ऐसा ही पानी भर रहा है। तो मैया, पूतना का कोई ऐसा उत्सव तो होता नहीं होगा, साल भर में कोई ऐसा प्रोग्राम होता हो? कुछ नहीं, कुछ ना होता, कोई करे ना, कोई पैसा ना मिले, सरकार तो ये कहते जाएगा। हाँ, ये बात सही है, हम तो गरीब लोग। तो आप लोग तो वहाँ जाते रहते रहे ना? जाते रहते। तो जैसा कि हम सब ने जाना कि ये गांव पूतना का ही है, अब वहाँ पर पुरानी चीजों में एक कुंड है, जैसे हम पूतना कुंड के नाम से जानते हैं, आइए चलते हैं, आपको वहाँ लेके चलते हैं। मैया, आपका धन्यवाद, राधे राधे। राधे राधे। और मैं आपको बता दूं कि हम उसी स्थान पर बिल्कुल पहुँच गए हैं, जहाँ पर कि पूतना कुंड है और एक छोटा सा मंदिर है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पूतना कुंड ये लिखा हुआ है, और जो सरोवर है वो पूतना कुंड का सरोवर इधर है। लेकिन उससे पहले हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं यहाँ जो मंदिर है, जो कि प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, उसका हम आपको दर्शन कराएं पहले। और दर्शनों में ये मंदिर और ये शिवालय, ये दोनों दर्शन जो हैं बिल्कुल पूतना कुंड के पास में हैं, और मानो तो पहचान के रूप में ये पूतना कुंड के पास में ये मंदिर है। कहा जाता है कि फेचरी गांव में पूतना रहती थी, जो कि कंस के कहने पर उनको जो स्थान दिया गया वो स्थान था। लेकिन अभी हम जो दर्शन करेंगे, हमारे भक्त बलवंत लाल जी के दर्शन करेंगे, जो कि भक्तों में श्रेष्ठ हैं, और हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ पूतना कुंड, जहाँ पर कि पूतना रहती थी। पूतना का शरीर इतना विशालकाय था कि पूरा गांव भी अगर कवर करो तो कम पड़ जाए, जैसा कि आपने सीरियल के माध्यम से देखा होगा। अब हम आपको जो दर्शन कराने जा रहे हैं, जो आज के भाव में हम जहाँ दर्शन करते हैं, वो दर्शन आप देख सकते हैं किस तरह से। आप मेरे सामने ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये पूतना कुंड है। और कहते हैं कि इस सरोवर, इस कुंड, ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर आज से 5000 साल पहले पूतना यहाँ रहती थी। और जो मंदिर है आप पीछे देख सकते हैं, ये छोटा सा मंदिर इसके पीछे है। तो कुंड के रूप में, पूतना कुंड के रूप में आप यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं, ये दर्शन है। और इसके अलावा एक छोटा सा मंदिर इसके बगल में भी है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल साधारण तरीके से ये गांव है, और साधारण ही गांव में जो दिव्य लीला है वो पूतना की लीला है। अब पूतना का जो कुंड आपने आपको दिखाया है, और गांव के लोगों से जो बातचीत की है, उनसे जो भाव लिए हैं, वो कहते हैं कि ये पूतना का वही घर है जहां पर कंस ने उनको स्थान दिया रहने के लिए। अब मैं अपनी भाषा में आपको बताऊँ, या अपनी लीला में मैं आपको बताऊँ कि पूतना भगवान कृष्ण के लिए एक माँ के रूप में थी, कि कैसे उसके स्तनों को
जब भगवान कृष्ण ने पान किया है तो उनको माँ से भी बढ़ के दर्जा दिया है। सहज ही एक राक्षसी को माँ का उन्होंने दर्जा दिया है। और पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए यहाँ पर आई थी और वो कंस की दासी थी, तो कंस की दासी होने के नाते कंस ने जो स्थान ब्रज में जो दिया पूतना को, वो यही फैचरी गांव दिया जो कि आप मेरे पीछे यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो इसमें आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमने गांव के लोगों से, बुजुर्गों से, माताओं से यहाँ पर बातचीत की और उनसे जाना कि क्या ये पूतना का गांव है, क्योंकि प्रमाणिक तौर पर इस गांव में ऐसा कोई प्राचीन चीज़ नहीं है जिससे कि हम बता सकें कि ये पूतना क्या दर्शन है या पूतना की कोई लीला है। लेकिन शास्त्रों में या कहीं ना कहीं ये लोगों के ध्यान में और गाँव के लोगों के, प्रत्येक गांव के लोगों के जानकारी में यह है कि यह पूतना का गांव है जहां पर पूतना रहती थी। अब इस बात की प्रमाणिकता कि पूतना यहीं पर रहती थी या भगवान कृष्ण को लेकर पूतना यहां पर आई है, इसके बारे में हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना पक्का है कि ब्रज का ये वही गांव है जहां पर भगवान कृष्ण को मारने के लिए जब पूतना यहाँ आई तो कंस ने जो स्थान उनको दिया, जैसे अनेकों राक्षसों को जो स्थान दिया, उन्हीं स्थानों में से एक फैचरी गांव पूतना के लिए दिया जिसे आज हम पूतना का गांव कहते हैं। तो प्राचीन दर्शनों में यहां केवल एक ही दर्शन है, वो देख रहे हैं आप, पूतना कुंड है। और गांव में कई कई चित्रपटों में भी हमने आपको दर्शन कराया, मंदिरों पर पूतना का वो चित्रपट बना हुआ है। पूरा पूरा कहें तो कह सकते हैं कि ये ब्रज में पूतना का वही गाँव है जहाँ पूतना रहती थी। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। फैचरी गांव पूतना के गांव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।